हैं आपकी। तो निलेश, 2 घंटे बचे हैं मार्केट बंद होने में, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपके रेडार पे हैं? हाँ बिल्कुल सृष्टि, देखिए दोनों ही सबसे पहले तो खरीदारी के काउंटर है। सबसे पहले डिफेंस स्पेस में काफी अच्छा मूवमेंट हम देख रहे हैं। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहाँ पे देखिए काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। फिर से यहाँ पे न्यू ऑल टाइम हाई लेवल्स काउंटर छूता हुआ नजर आ सकता है। लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट में इजाफा भी हुआ है, तो यहाँ पे एचएएल को खरीद के चलने की सलाह होगी। 2220 का स्टॉप लॉस होगा, 2350 इमीडिएट टारगेट को ध्यान में रखकर चलना चाहिए, जो कि लगभग इसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल से है। उसके पार निकलने के बाद 2400 तक के भी लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले एचएल को खरीद के चलने की सलाह होगी। वहीं दूसरा स्टॉक देखिए, कुछ समय पहले आप ऑटो स्पेस का जिक्र कर रहे थे, ऑटो सेक्टर का ऑटो स्टॉक है अशोक लेलैंड। इस पर्टिकुलर काउंटर में पिछले कुछ एक दिनों से हम साइडवेज कंसोलिडेशन देख रहे हैं और आज के सेशन में यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, तो इसे खरीद के चलने की सलाह होगी। फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव ऊपरी स्तरों पर 155 तक की अपसाइड यहाँ पे बनती हुई नजर आ सकती है। 147 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ठीक है, तो HAL डिफेंस सेक्टर से और साथ ही ऑटो स्पेस से अशोक लेलैंड जो है निलेश को पसंद आ रहा है, तो ये दोनों काउंटर्स आप रेडार पे ज़रूर रखिए। पर काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग करके लिस्ट है जहाँ पे हम देखें कि बजाज ऑटो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, ये कुछ काउंटर्स वो हाईलाइट कर रही हैं। बजाज ऑटो ने एक नया 52 वीक हाई छुआ है, हालांकि अभी थोड़ा सा प्रेशर में ज़रूर है काउंटर, पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में हाई वॉल्यूम्स देखने को मिल रही हैं, ऐसा बीएससी हाईलाइट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ 52 वीक हाई के काउंटर्स भी हम देख पाएंगे जहां पे असाही इंडिया नया 52 वीक हाई छुआ है, एबीबी ईयरली हाई पे है और इसी के साथ कैनरा बैंक ये भी 52 वीक हाई जो है अपना छूता हुआ नजर आया है। एलजी इक्विपमेंट्स एक दूसरा काउंटर है कैश सेगमेंट से, इसमें भी जबरदस्त मूव देखने को मिल रही है और ये ईयरली हाई पे ये काउंटर हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पर निलेश, आप कुछ डिफेंस काउंटर्स की बात कर रहे थे और वो कुछ मैं भी देख रही थी, उसमें बीएल और मजगांव डॉक पे आपका क्या नज़रिया है? देखिए एचएएल तो आपको पसंद आ रहा है, बट क्या ये पूरा जो स्पेस है उनमें से ऐसा हो सकता है कि कोई भी काउंटर आप पकड़े और वो आपको रिटर्न्स दे दे? क्योंकि मजगांव डॉक 12% का उछाल दिखा रहा है, बीएल जैसी कंपनी भी 3% की तेज़ी दिखा रही है, क्या कुछ दिख रहा है चार्ट्स पे? हाँ बिल्कुल, देखिए सिस्टी सारे ही स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। स्पेसिफिकली जिसका आप जिक्र करते हैं कैश काउंटर्स, काफी अच्छा मूव यहाँ पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। बीईएल अगर डिफेंस में देखें तो काफी अच्छा चार्ट पैटर्न यहाँ पे भी निकल के आ रहा है। ऊपरी स्तरों पर जो अपसाइड है वो अभी भी ओपन है, 320 से 325 तक के लेवल हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन है बने रहे। गिरावट पे अभी भी मैं कहूंगा कि डिफेंस पे ही फोकस करें, चाहे वो बीडीएल हो, बीईएल हो, चाहे वो एचएएल हो, ये सारे ही स्टॉक्स हैं जहाँ पे अभी भी हमें और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा आप मजगांव डॉक का जिक्र कर रही थी, तो इसी स्पेस की कंपनी कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने से ये काउंटर एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा था और आज के सेशन में एक बेहतरीन ब्रेकआउट 360 के ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे मोमेंटम हमें बनता हुआ नजर आ सकता है। 380 से लेके 400 तक का गिरावट पे यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। लास्टली देखिए कैश काउंटर का आपने जिक्र किया, वंड्रेला, ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन फ्लैग एंड पोल पैटर्न, जिसे हम कहते हैं कॉपी बुक स्टाइल फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 390 से लेके 400 तक की भी अपसाइड हमें वंड्रेला में देखने को मिल सकती है, यहाँ पे भी गिरावट पे खरीदारी की जा सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 360। ठीक है, तो बात चल रही थी डिफेंस सेक्टर की, वहाँ पे कई सारे काउंटर्स बजिंग हैं, बट उसके अलावा अगर नज़र डालें तो कोचिन शिपयार्ड निलेश को पसंद आ रहा है और इसके साथ वंडरला हॉलीडेज़, कई सारे पिक्स लेकर आए हैं निलेश हमारे दर्शकों के लिए जो कि उनको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न है, तो वो भी आप ज़रूर ध्यान में रखें। पर चलिए